सेशन ऑफ द एडिटोरियल। आज के लेक्चर में हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल बाय डिस्कसिंग द वर्ड्स। तो जो पहला वर्ड है हमारा आज का वो है ग्लिट्सी। ग्लिट्सी वर्ड जो बना है ये बना है ग्लिट्स वर्ड से, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा आपके पास कि आप LIT लाइट का पास्ट द लिट, ठीक है। लिट का मतलब होता है रोशनी, चमक है, कुछ जलाना, ठीक है। तो लिट से याद रख लो चमक, ठीक है। तो ग्लिट्सी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा चमक हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शोई हो। यूजुअली आप ये वर्ड जो देखते हो वो आप देखोगे जैसे कि फैशन इंडस्ट्री में या कहीं पे जो बहुत ज़्यादा यू नो यू कैन से बहुत ज़्यादा चमक है कहीं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये वर्ड देखोगे। नेक्स्ट आ गया एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है कोई बहुत ही लार्ज स्केल पे कोई कार्यक्रम या कोई इवेंट हो रहा है, स्पेशली ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा यू नो पैसा लगा हो, बहुत एक्सपेंसिव हो और बहुत लार्ज स्केल पे हो। तो इसको एक्स्ट्रा से याद रख लो, एक्स्ट्रा मतलब टू मच, ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे कोई काम हो रहा है यानी बहुत लार्ज स्केल पे इवेंट हो रहा है तो एक्स्ट्रावेगेंजा हो गया। आउस्ट करना, आउस्ट को याद रख लो आउट से। आउट करना मतलब बाहर निकालना, रिमूव करना। तो किसी को उसके अधिकार से आउट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो आउस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो करंटली जो किसी पदस्थ है, यानी कि करंटली जो किसी ऑफिस को, करंटली कोई पोजिशन को होल्ड कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो इनकम्बेंट। अगला वर्ड देखते हैं रेपरकर्शंस। रेपरकर्शंस का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजे। लेकिन आपने ना एक बात याद रखनी है कि रिजल्ट में और रेपरकर्शन में फ़र्क क्या होता है। रिजल्ट जो है ना ये एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होगा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी तरह के वर्ड्स के साथ ये यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो रेपरकर्शन है ये ज़्यादातर थोड़ा नेगेटिव नेचर का होता है। तो रेपरकर्शंस नतीजे होते हैं लेकिन एक नेगेटिव तरीके से बात होती है, ठीक है। अगला आ गया एनमेश। मैश जो होता है ना MESH, मैश, मैश बोलते हैं जाले को, ठीक है। कोई जाली होती है उस जाली को मैश बोला जाता है। तो एनमेश कर देने का मतलब है कि जाल बिछा दिया, ठीक है, यानी कि ट्रैप कर लिया, उलझा हुआ कोई भी चीज़ बहुत ही ट्रैप्ड है, उलझी हुई है, तो उसको आप बोलोगे एनमेश्ड है। बनाए किससे है? मैश वर्ड से, ठीक है। अगला वर्ड आ गया हेफ्ट। हेफ्ट वर्ड जो है उसको उसका मतलब होता है वेट यानी कि भार। अच्छा, इसी के साथ साथ ये वर्ड जो है ना हेफ्टी जो मैं अभी बोल रही थी ये भी काफ़ी कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, ठीक है, हेफ्ट और हेफ्टी दोनों। बस हेफ्ट जो होगा ये आप एक तरह से कह सकते हो नाउन बन गया, वाई लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। आपको अगर आपने भी ध्यान दिया हो ग्लिट्सी भी बोला था हमने, तो ग्लिट्स और ग्लिट्सी में भी यही फर्क था। ग्लिट्स नाउन होगा, ठीक है, और ग्लिट्सी वाई लगा दिया तो एडजेक्टिव बन गया। सेम यहाँ पे है, हेफ्ट भार, हेफ्टी अगेन क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, विशेषण बन गया। अगला वर्ड है करिश्मा। करिश्मा वर्ड जो है ये बनता है चार्म से, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, ठीक है, या चार्म है जिसमें, ठीक है, तो वो करिश्मेटिक चीज़ होती है, करिश्मा होता है उसके अंदर, ठीक है, चार्म बेसिकली। अगला मैंडेट, ये तो हम बहुत बार, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, उससे पहले में भी था, मैंडेटेड, मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेट हो गया। तो ये क्या वर्ड होगा? इसका मतलब है कोई भी फॉर्मल आप कह लो आदेश दिया गया है, फॉर्मल ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो उस फॉर्मल ऑर्डर को बोलते हैं कि आदेश को मैंडेट है ये, ठीक है। फिर आता है वर्ड एलोकेंट। आपने याद रखना है कोई भी वर्ड जो है जिसमें LOQ यूज होता है ये हमेशा बोलने से रिलेटेड है, टॉक से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड बोलूँ लेट्स से लोकेशियस, ठीक है, तो जो लोकेशियस वर्ड है, अब मान लो पेपर में कहीं आपको ये वर्ड दिख जाए
लेकिन लेट्स से मुझे इसका मतलब नहीं पता। मैं दो चीज़ें देख सकती हूँ, एक कि LOQ है और दूसरा OUS है। LOQ हो गया बात करने से रिलेटेड, ठीक है, और OUS हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये एक एडजेक्टिव होता है। तो लोकेशियस क्या बन जाएगा? लोकेशियस एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत बातूनी है, जो बहुत बातें करता है, समझ रहे हो? खैर, एलोकेंट वर्ड आ गया, तो LOQ इसमें भी आ रहा है। तो एलोकेंट का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से बात कर पाना। अच्छे से बात कर पाना मतलब भावपूर्ण तरीके से, एक्सप्रेसिव तरीके से अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना। तो ये कई बारी स्पीच में, लोगों की स्पीच होती है ना, कई लोग बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं कि आपको एक्चुअली समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो एलोक्वेंट स्पीच होती है, जिसमें वो बहुत अच्छे से अपने आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगला आता है वर्ड हैवी वेट, ठीक है, हैवी से याद रख लो, ठीक है, हैवी मतलब भारी। तो किसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा भारी है, इन द सेंस कि बहुत प्रभावी व्यक्ति है, ठीक है, कि हैवी वेट है वो व्यक्ति, मतलब कि किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है वो, फाइन। अगला आ गया वर्ड एरे। एरे का मतलब होता है पूरी की पूरी एक श्रृंखला, यानी कि पूरी की पूरा एक ग्रुप। तो किसी भी चीज़ का के बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्रुप में, तो वो जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा उन थिंग्स का, उन चीज़ों का, वो पूरा का पूरा एरे होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चलते हैं रेमेडियल वर्ड पे। रेमेडियल वर्ड जो है ये बना है रेमेडी वर्ड से। इससे बना है रेमेडी से, और रेमेडी का मतलब होता है क्योर। क्योर यानी कि इलाज, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की रेमेडी, यानी किसी भी प्रॉब्लम का इलाज, किसी भी प्रॉब्लम का क्योर, फाइन। तो रेमेडी इलाज है, रेमेडियल क्या हो जाएगा, कोई इलाज देना यानी कि कोई सुधार करना, तो रेमेडियल मेजर है, यानी कि एक सुधारात्मक मेजर है, ठीक है, कोई सुधार करने करने के लिए कोई स्टेप उठाया जा रहा है, ठीक है। सेट बैक, बैक से याद रख लो, बैक मतलब पीछे होना, ठीक है, तो पीछे आप कब होगे, जब कोई असफलता होगी, तो सेट बैक का मतलब हो गया फेलियर यानी कि असफलता, फाइन। नेक्स्ट आ गया वर्ड रिजाउंडिंग। तो री का मतलब हम पढ़ चुके हैं ना पहले, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा, साउंड मतलब आवाज। तो दोबारा से जब साउंड आ रही है, दोबारा से आवाज आ रही है, तो यानी कि वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लाउड होगी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रिजाउंडिंग मतलब लाउड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा जबरदस्त। वॉबलिंग वर्ड बना है वॉबल से। वॉबल करने का मतलब होता है ट्रेम्बल करना, ठीक है, कांपना, फाइन। आगे चलते हैं बंगलिंग। बंगल करने का मतलब होता है कुछ को झोल करना, ठीक है, कुछ गड़बड़ करना या फिर कोई ब्लंडर कर देना। ब्लंडर करने का मतलब, एक तो वर्ड होता है मिस्टेक, है ना, मिस्टेक और ब्लंडर में क्या फर्क होता है, मिस्टेक कोई छोटी सी गलती होती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्लंडर की, तो ब्लंडर एक बहुत बड़ी लेवल की मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक इज ब्लंडर। तो बंगलिंग का मतलब होता है ब्लंडरिंग, कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देना या कोई गोलमाल कर देना, झोल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया काउंटर। काउंटर हम वर्ड पढ़ चुके हैं पहले भी प्रीफिक्सेस का। काउंटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऑपोजिट, विपरीत, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं काउंटरफीट, काउंटर एक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट मीनिंग इसका होगा। डिबैकल, अगेन डिबैकल होती है एक बहुत बड़ी असफलता, फेलियर असफलता, लेकिन एक बहुत बड़ी असफलता को डिबैकल बोल देते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ड पाइवटल। पाइवट से बना है ये वर्ड। पाइवट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। पाइवटल इज अगेन एयर लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी कि एक यू कैन से विशेषण बन जाएगा, फाइन। तो पाइवटल मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि असेंशियल। आगे चलते हैं मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल, मल्टी से याद रख लो, मल्टी का मतलब ही क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी। यूनी वर्ड आ जाए, UNI, मोनो वर्ड आ जाए, तो यूनी और मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनिसाइकिल, ठीक है, एक पहिए वाली साइकिल को यूनिसाइकिल बोल देते हैं। पर अगर कहीं पे लिखा आ जाए मल्टी, तो मल्टी का मतलब क्या होगा, मैनी।
ठीक है, तो मल्टीलेटरल क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय, यानी जिसमें मेनी साइड्स हों, अलग अलग साइड्स इन्वॉल्व हों। बास्किंग, धूप सेकने को वैसे तो हम बास्किंग बोलते हैं, लेकिन धूप सेकने के अलावा कई बार ही हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते होते हैं सक्सेस के लिए भी, कि सक्सेस में बास्क कर रहा है ये इंसान, ठीक है। ग्लोरी, फेम, ऐसे शब्दों के साथ भी हम बास्किंग बोल देते होते हैं, ठीक है। री एफर्मिंग, री का मतलब क्या हो गया, अगेन दोबारा, एफर्म करने का मतलब होता है पुष्टि करना, तो दोबारा से पुष्टि, पुनः पुष्टि करना, दोबारा पुष्टि करना किसी भी स्टेटमेंट को, दोबारा से स्ट्रांगली यू नो उसको सपोर्ट करने का मतलब होता है रीअफर्म कर रहे हो। फिर आती है बात रेफरेंडम की, रेफरेंडम को याद रखो, रेफर, ठीक है, आप किसी भी डिसीजन के लिए अगर जनता को रेफर कर रहे हो, ठीक है, कि जनता से पूछ रहे हैं और जनता उस प्रश्न का यू नो जब आंसर दे रही है, तो वो अपनी बता रही है कि यू नो उसकी सहमति है, वो हाँ है या ना है, ठीक है। तो जब आप कोई भी पोल कराते हो, यानी वोट कराते हो, जिसमें कि जो जनता है वो आपको एक अपना आंसर देगी, उसे रेफरेंडम बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम विद द मेन पॉइंट्स। हेडिंग है लास्ट लैप ऑन जो बाइडन। लास्ट लैप किसको बोला जाता है, किसी भी रेस में आपको पता है जब एक राउंड होता है तो एक लैप पूरा होता है, लास्ट लैप का मतलब हो गया जो आखिरी पड़ाव हो, ठीक है। फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज बिकम द डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफिशियल नॉमिनी फॉर द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर अ ग्लिट्सी 4-डे एक्स्ट्रावेगेंजा एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। हमने पहले भी एक वर्ड ना पढ़ा था अर्स्ट वाइल, और तब मैंने आपको फॉर्मर के बारे में बताया था कि फॉर्मर का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो जो बाइडन जो कि पहले यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो ऑफिशियल नॉमिनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, ठीक है। और उनके साथ साथ अगर हम देखा जाए, अलॉन्ग साइड हिज रनिंग मेट कमला हैरिस, ही विल सीक टू आउट इनकम्बेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो इस बार उनके जो रनिंग मेट हैं वो कौन है, कमला हैरिस। इनके बारे में भी एक आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट थे, एंड जो जो बाइडन है वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, और दे आर सीकिंग टू, ये लोग कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त करंट ऑफिस जिनके पास है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनको रिमूव कर सके। एंड इफ ही डज सो एन एरे ऑफ रेमेडियल पॉलिसी एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम एन अर्ली स्टेज टू लिफ्ट द यूएस अप फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ऑनगोइंग COVID-19 पैंडमिक। अगर जो बाइडन जो है वो ऐसा कर पाते हैं, तो उन्हें एक एरे, एक पूरी की पूरी यू कैन से एक लिस्ट होगी रेमेडियल पॉलिसी, रेमेडियल मतलब सुधारात्मक पॉलिसी एक्शन की, क्यों, जिससे कि वो यूएस को इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, जो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है COVID-19 पैंडमिक की वजह से, उस इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से उनको यूएस को वापस लिफ्ट करना पड़ेगा, वो सुधारात्मक एक्शंस लेने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। बिसाइड्स ही विल नीड टू अर्जेंटली अटेंड टू अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज एंड सेटबैक्स सम विद इंटरनेशनल रिपरकशंस दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम एनमेस्ड इन। बिसाइड्स, एक वर्ड होता है बिसाइड एंड एक वर्ड होता है बिसाइड, एक एस का फर्क है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। बिसाइड का मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी साथ में बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, ए इज सिटिंग बिसाइड बी, ठीक है, ए इज सिटिंग बिसाइड बी। लेकिन अगर बिसाइड एस की बात की जा रही है, तो बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अलावा, फाइन। तो बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा उन्हें एक और यू नो एक अर्जेंसी रहेगी, ही नीड टू अर्जेंटली अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब है ध्यान देना, तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा जो कॉन्ट्रोवर्सीज, जो सेटबैक्स, जो फेलियर्स इस वक्त यू नो वहाँ पे हैं
इंटरनेशनल रेपरकशंस के साथ, कई ऐसे सेटबैक्स हैं जिनका इंटरनेशनल एक रेपरकशन आ रहा है, एक नतीजा भी है, तो जिसमें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त फंसी हुई है, एनमेस्ट है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा इन्हें। डज मिस्टर बाइडन पोजेस द पॉलिटिकल हेफ्ट, पर्सनल करिश्मा एंड पार्टी मैंडेट टू डू सो? क्या मिस्टर बाइडन जो हैं उनके पास पॉलिटिकल हेफ्ट है, वो पॉलिटिकल पावर है, या एक वीकेंड से एक उनमें स्किल है, या पर्सनल करिश्मा है, या एक पार्टी का मैंडेट है ऐसा करने के लिए? द पार्टी आंसर्ड विद रिजाउंडिंग येस टू ऑल द थ्री क्वेश्चन एट द कन्वेंशन। तो जो कन्वेंशन हुई थी उसमें इन तीनों बातों के लिए कि उनके पास वो पॉलिटिकल पावर है, एक पर्सनालिटी में करिश्मा है, पार्टी का मैंडेट है, तो इन तीनों का जवाब जो था वो पार्टी ने कन्वेंशन पे क्या दिया? यस। और उसी पार्टी में काफ़ी एलोकेंट स्पीचेस हुई, काफ़ी यू कैन से भावात्मक या काफ़ी एक्सप्रेसिव स्पीचेस रही हैं पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड बिल क्लिंटन की, एंड फर्स्ट लेडीज मिशेल ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन, एंड साथ ही साथ पार्टी के काफ़ी हैवी वेट्स भी वहाँ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग भी वहाँ रहे, जिन जैसे कि बर्नी सैंडर्स, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वॉरन। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द हार्ट ऑफ द रियलिटी स्टैंड्स मिस्टर ट्रंप, वॉबलिंग एज ही स्कोर्स लोअर देन मिस्टर बाइडन इन द ओपिनियन पोल्स, मोस्टली फॉर हिज बंगलिंग रिस्पॉन्स टू द पैंडमिक। तो अगर हम देखें तो राइटर कह रहे हैं कि हार्ट ऑफ द रियलिटी, ठीक है, इन सब रियलिटी के बीच में अगर हम देखते हैं तो मिस्टर ट्रंप हैं, जिनको अगर ओपिनियन पोल्स में देखा जाए तो इस बार उनका स्कोर ओपिनियन पोल्स में मिस्टर बाइडन से कम रहा है, ठीक है, और इसका मेन जो रीज़न राइटर बता रहे हैं वो रहा होगा उनका पैंडमिक को लेके, जो पैंडमिक हुआ है उसके प्रति जो उनका रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए। टू इफेक्टिवली काउंटर दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड अवॉइड अनदर डिबैकल ऑफ द सॉर्ट दैट मिस क्लिंटन फेस इन 2016, मिस्टर बाइडन एंड मिस हैरिस नीड शो ओनली वन थिंग, दैट दे कैन सेव द यूएस इकॉनमी एंड रिपेयर द कंट्री स्टैंडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली बाय रिक्लेमिंग अ पिवोटल रोल इन द मल्टीलेटरल गवर्नेंस ऑफ पब्लिक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। इस पॉइंट में राइटर ये कहना चाहता है अगर मिस्टर बाइडन को और मिस हैरिस को इफेक्टिवली ये आर्ग्यूमेंट्स को अपोज करना है, काउंटर करना है, तो उन्हें क्या करना होगा, यूएस की इकॉनमी को सेव करना होगा, ठीक है, और कंट्री की जो स्टैंडिंग है बाकी वर्ल्ड के साथ उसे इम्प्रूव करना होगा, और स्पेशली तीन यहाँ पे पहलू उन्होंने राइटर ने बताए हैं जिन पे उन्हें ध्यान देना होगा, जिन पे उनको एक पाइवटल रोल, एक अहम रोल प्ले करना होगा। पहला है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, ठीक है, अगर हम पब्लिक हेल्थ देखते हैं ग्लोबली, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड तीसरा क्या बताया गया है, ट्रेड। तो इन तीन पहलुओं पे उन्हें एक अहम भूमिका निभानी होगी, हेल्थ, क्लाइमेट और ट्रेड। आगे चलते हैं। वेदर द डेमोक्रेट्स बास्किंग इन द सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो ऑफ द कन्वेंशन एंड रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू लिबरल वैल्यूज प्ले देयर हैंड केयरफुली थ्रू दिस एंड गेम सिनेरियो, और वेदर ट्रंप विजन ऑफ एन इनवर्ड लुकिंग यूएस स्टिल कैरीज द डे रिमेन्स टू बी सीन। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट में हैं, जो कि बास कर रहे हैं सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो ऑफ द कन्वेंशन के, यानी जो कन्वेंशन का जो रिजल्ट रहा है वो उसके जैसे सक्सेस में ही में अभी बास कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी लिबरल वैल्यूज को रीअफर्म कर रहे हैं, उसकी पुष्टि दोबारा से कर रहे हैं, या फिर जो एक तरफ ट्रंप हैं जो कि जिनका व्यू है कि एक इनवर्ड लुकिंग यूएस हो, ठीक है, देखना ये है कि हु कैरीज द डे। कैरीज द डे का मतलब हो जाएगा कि किसकी यू कैन से साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वॉट इज क्लियर इज दैट इलेक्टोरल आउटकम विल बी बोथ अ रेफरेंडम एक्सप्रेसिंग हाउ मच अ ब्रॉडली इंक्लूसिव पैराडाइम ऑफ द अमेरिकन ड्रीम स्टिल रेजोनेट्स विद द पीपल एंड अ सिग्नल ऑफ द डिग्री ऑफ ओपननेस दैट इट विल टॉलरेट टूवर्ड्स द पीपल्स ऑफ अदर नेशंस। तो राइटर कंक्लूजन में ये कह रहे हैं कि देखना ये है कि जो इलेक्टोरल आउटकम है
जो ये जो इलेक्शंस हैं इसके आउटकम्स, तो ये रेफरेंडम मिलेगा, ठीक है, ये पब्लिक का एक ओपिनियन मिलेगा कि जो अमेरिकन ड्रीम है, या यू कैन से जो यू नो वहाँ जो वहाँ के यू कैन से जो पब्लिक है वो कितनी ओपन है, ठीक है, कितना खुले दिल से वो स्वागत करते हैं, या कितने टॉलरेंट हैं, कितने उनमें यू कैन से एक टॉलरेंस है दूसरे लोगों के, दूसरे नेशन के लोगों के प्रति, ठीक है। तो वो जो डिग्री ऑफ ओपननेस है वो पता चलेगी इस रेफरेंडम के थ्रू। एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे पीपल्स वर्ड यूज़ किया गया है ना, तो पीपल और पीपल्स का क्या मतलब होता है? पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एज अ होल मानते हैं, एक ही ग्रुप मान के चल रहे हैं, तो पीपल आता है। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग ग्रुप्स की बात करो, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स की बात करो, तो हम पीपल्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स वर्ड गलत नहीं होगा, पीपल्स ऑफ नेशंस का मतलब हो गया अलग अलग नेशंस के लोग, ठीक है। तो आज हमने देखा कि अगर हम एफ यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो कई बार उसकी मीनिंग में डिफरेंस आता है वर्ड के। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए एफ यूज़ होता है, कई बार हम एफ यूज़ करके वर्ड के मीनिंग्स में चेंजेस लाते हैं। फाइन, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, ठीक है, जिसमें कि राइटर बात कर रहे थे मिस्टर बाइडन के बारे में, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स या किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस बार वो पावर में आते हैं। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा आर्टिकल। एक बार ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और रीड कीजिएगा, एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।